चलिए देखते हैं। ये हमारी 10th क्लास है जिसमें एनसीईआरटी मैथ पढ़ाया जा रहा है और इसके चैप्टर 3.6 में दो चर वाले रैखिक समीकरण, टू वर्बल इक्वेशन, दो चर वाले रैखिक समीकरण को आपको बताया गया है। इससे पहले आपको इसमें 3.1, 3.2, 3.3, 4 और 5 प्रश्नावली कंप्लीट करा दी गई है। इसमें भी 3.6 प्रश्नावली में आपको पहला क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया है। आज ये हमारा प्रश्न संख्या 2 है, तो देखते हैं प्रश्न संख्या 2 में किस प्रकार हल बनता है, किस प्रकार की समस्याएं दी गई है। आप यहां से हमारे YouTube चैनल से प्रश्नावली 1 से लेके 3 तक सभी को बहुत ही आसान सरल तरीके से सभी क्वेश्चनों को समझाया गया है, कराया गया है। आप हमारे चैनल से इससे पहले की सभी प्रश्नावलियों के सभी प्रकार के क्वेश्चन देख सकते हो। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 में क्या कहता है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का हमारा अर्थ होता है कि जिस दिशा में हमारी धारा बहती जा रही है, हमारी धारा जिस दिशा में बहती जा रही है, पानी का बहाव जिस दिशा में है उसे हम अनुकूल कहते हैं, धारा के अनुकूल। तो धारा के अनुकूल ऋतु 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल विपरीत दिशा में, माना पानी का बहाव आपका पूर्व दिशा में है और आप पश्चिम से बह, आप पश्चिम की ओर तैर रहे हैं, तो वो होता है प्रतिकूल, उल्टी दिशा। जिस ओर धारा आ रहा है, धारा बह रही है उसकी उल्टी दिशा, विपरीत दिशा को प्रतिकूल बोलते हैं। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में चाल व धारा की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि उसने कहा है कि ऋतु की शांत जल में चाल व धारा की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि धारा की कितनी चाल है और ऋतु की शांत जल में कितनी चाल है। चलिए सबसे पहले तो हल लिख लेते हैं। हल, अब हम थोड़ा मान के चलते हैं, माना ऋतु की शांत जल में चाल। शांत मतलब के जैसे कह देना रुका हुआ पानी, रुके हुए पानी में कोई बहाव नहीं होता। जैसे तालाब का पानी, तालाब में क्या होता है, चारों तरफ से आपके बाउंड्री होती है, पानी ना तो इधर बहता ना उधर बहता, पानी की अपनी कोई फोर्स नहीं होती है, तो उसे बोलते हैं हम शांत जल। उसमें जो हमारा तैराक होता है, तैरने वाला होता है, सभी कार्य उसे ही करना पड़ता है, ना तो उस पे कोई ऐसा बल लगेगा जो उसकी चाल को बढ़ा दे और ना इस प्रकार का बल लगेगा जो उसकी चाल को घटा दे, तैरने वाली चाल को। तो इसलिए पहले हम मानेंगे शांत जल में, ठीक है। ऋतु की शांत जल में चाल, शांत जल ठहरे हुए पानी में, शांत जल में चाल, x किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि शांत जल में ऋतु, ये हम लिखेंगे यहां पे, माना ऋतु की शांत जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि ठहरे हुए पानी में, रुके हुए पानी में ऋतु 1 घंटे में x किलोमीटर दूरी तय करती है। अब लिखते हैं धारा की चाल। माना धारा की चाल हमारी y किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो हमारी धारा है, पानी का बहाव है, वो 1 घंटे में y किलोमीटर बह रहा है, ये हमने मान ली है धारा की चाल। अब हमें कितना कहा है, ऋतु धारा के अनुकूल, यानी कि धारा की दिशा में, धारा के साथ। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब हम
चलते हुए पानी में धारा की दिशा में तैरेंगे तो कुछ तो हमारा अपनी चाल और कुछ उस धारा की चाल, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और हम दूरी ज्यादा तय करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वही सिस्टम कहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है और विपरीत दिशा में 4 ही किलोमीटर तैर सकती है। क्यों? क्योंकि ऋतु की चाल को धारा की चाल अब काट रही है, दूसरी स्थिति में कम कर रही है उसके वेग को, और यहाँ पे दोनों का वेग जुड़ गया, धारा का भी जुड़ गया, धारा ने फोर्स लगा दी ऐसे और ऋतु भी अपनी फोर्स से जा रही है। तो चलिए देखते हैं, 2 घंटे में धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल 2 घंटे में ऋतु, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। तैरती है तब क्या होगा, 20 किलोमीटर कैसे तारेगी वो, 2x यानी कि ऋतु कितनी घंटे तैरी, 2 घंटे, चाल मानी हमने x तो 2x प्लस 2y धारा में भी और बराबर हमारा 20, कितने किलोमीटर, 2x प्लस 2y बराबर 20, 20 किलोमीटर तैरी इसने। तो यहां से हमें 2 कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बच गया, x प्लस y बराबर 20, अब इससे 2 ढाई 20 10 आ गया, तो ये कितना आ गया, x प्लस y बराबर 10, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये तो आई ऋतु की धारा के अनुकूल चाल जब वो धारा के साथ तैर रही थी। अब देखते हैं धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, धारा के विपरीत दिशा में, लो विपरीत लिख देंगे, विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय दूरी, 2 घंटे में 4 कर रही है, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। 2 घंटे में कितने किलोमीटर तैर रही है, 4 किलोमीटर। तो इस स्थिति को भी इसी प्रकार दर्शाएंगे, 2x माइनस 2y यानी के ऋतु की चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाएगी, अब की बार जुड़ेगी नहीं, और बराबर कितने किलोमीटर आ रहा है, 4 किलोमीटर। यहां से भी हम 2 कॉमन ले लेंगे, हमें दिख रहा है अंदर क्या बचा, x माइनस y और बराबर में हमारा 4, और ये 2 दूनी 4 तो कितना आ गया, x माइनस y बराबर 2, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1 मान, सॉरी 2, एक तो हमने ले ली, ये समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो, एक क्या आई हमारी, x प्लस y बराबर 10, 2 क्या आई हमारी समीकरण, x माइनस y बराबर 2, और जोड़ने पर क्या होगा, जो चिन्ह जैसा है वो वैसा ही रहेगा, ये प्लस है तो प्लस रहेगा, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और ये प्लस, देखिए यहां पे y प्लस का y माइनस का आपस में खत्म हो गया, कट गया, 1x ये, 1x ये हमारे हो गए 2x, और यहाँ पे 10 और 2 12, तो ये यहाँ पे गुणा में है, उधर कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 2 6 12 x बराबर आ गया 6, और x हमने क्या मानी थी, ऋतु की शांत जल में चाल, तो ऋतु की शांत जल में चाल कितनी आ गई हमारी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऋतु 1 घंटे में 6 किलोमीटर तैर सकती है। अब चलिए निकालते हैं धारा की चाल, तो धारा की चाल निकालने के लिए हम x के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, का मान
समीकरण दो में रखने पर, समीकरण नंबर दो ये रही हमारी एक्स माइनस वाई बराबर दो, तो यहां से x की जगह 6 रखा माइनस के y बराबर 2, ठीक है। हाँ, तो यहां से क्या माइनस के y बराबर माइनस के 6 प्लस के 2 और माइनस के y बराबर माइनस के 4, क्योंकि 6 में से 2 गए 4 और माइनस से माइनस कट गया और y बराबर आ गया आपका 4। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, जो x का मान क्या आया है 6, यानी कि ऋतु की चाल कितनी आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, वह धारा की चाल कितनी आ गई जो y माना हमने 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखिए, स्थिर जल में चाल व धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो ऋतु की स्थिर जल में चाल कितनी आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल कितनी आ गई हमारी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लिख सकते हैं ऋतु की शांत जल में चाल छह किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां लिखेंगे हम धारा की चाल, चार किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर आ गया। ऋतु की चाल कितनी आ गई यहां से शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल कितनी आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। एक बार फिर से बता देते हैं, देखिए क्या कहा है, माना ऋतु की शांत जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की y किलोमीटर प्रति घंटा, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, तो 2x प्लस 2y बराबर 20 हो गया हमारा। अब यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया x प्लस y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। अब धारा के विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में कितनी तैर रही है वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर, तो यहां पर चालें क्या हो जाएगी हमारी घट जाएगी, अनुकूल में जुड़ी है यहां घट जाएगी विपरीत दिशा में। तो 2x माइनस 2y बराबर 4 के, यहां से 2 कॉमन ले लिया x माइनस y बराबर 2 के आ गया, ये समीकरण नंबर 2 आई, ये समीकरण नंबर 1 आई। हमने लिख दिया समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर क्या होता, क्या हुआ हमारा, ये तो प्लस रहा, प्लस के 2x हो गया, वाई से वाई कट गया, आ गया हमारा 12। और यहां से एक्स बराबर 12/2 6 आ गया, यानी कि ऋतु की चाल कितनी आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस 6 को जब आया ये समीकरण 2 में रख दिया हमने एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण नंबर 6 में रखने पर, यानी कि 2 में रखने पर, तो यहां से क्या आ गया हमारा वाई का मान आ गया 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है, दो महिलाएं वे 5 पुरुष मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं। दो महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं, जबकि 3 महिलाएं वे 6 पुरुष मिलकर उसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। ज्ञात करो उसी काम को करने में एक महिला व एक पुरुष कितना समय लेगा। यानी कि कोई काम है जिसे शुरू में कितनी महिलाएं कर रही हैं, 2 महिलाएं व 5 पुरुष, उसे करने में ले रही हैं 4 दिन, और 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसे करने में ले रहे हैं 3 दिन। तो हमें बताना है कि उसी काम को करने में एक महिला और एक पुरुष कितने कितने दिन ले, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम। सबसे पहले वही मानेंगे, माना एक महिला द्वारा किया गया कार्य एक्स, माना महिला द्वारा, एक महिला द्वारा किया गया कार्य, एक महिला द्वारा, महिला है तो महिला का मानेंगे, पुरुष का भी मानेंगे, फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण है हमारे, दो चर मानने हैं। एक महिला द्वारा किया गया कार्य
वे एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य वाई है। तो एक महिला एक दिन में करेगी कार्य, एक महिला द्वारा एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? एक बटा एक्स, क्योंकि महिला द्वारा किया गया कार्य, माना महिला द्वारा किया गया कार्य कितना है, महिला द्वारा किया गया कार्य हमारा एक्स, पुरुष द्वारा किया गया कार्य वाई। तो एक महिला द्वारा एक दिन का कार्य कितना, वन अपॉन एक्स, और पुरुष द्वारा एक दिन का कार्य, यहां पे एक दिन का कार्य लिखेंगे हम, एक दिन का कार्य कितना, एक बट्टा वाई। अब यहां पे आएंगे, दो महिलाएं हैं पांच पुरुष हैं, और वो कितने दिन में कर रहे हैं, चार दिन में। तो हम कहेंगे दो महिलाएं वे पांच पुरुष का एक दिन का कार्य, कितना हो जाएगा, दो बटा एक्स प्लस पांच बटा वाई, क्योंकि पुरुष का हमने वाई माना है, और बराबर एक बटा चार, यानी कि चार दिन में कर रहे हैं ना वो, तो एक बटा चार आ जाएगा इनका एक दिन का कार्य। अब हम यहां से क्या लिखेंगे, इसको दो को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, दो गुना, और ये पांच को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लिख सकते नहीं, और ये तो हमारा एक बटा चार जो खत्म। देखिए, दो एकम दो और एक बटा एक्स, फिर यही बात आ गई, पांच एकम पांच, एक बटा पांच बटा वाई, ठीक है। और यहां से अब हम इन्हें कुछ मान दे देंगे, नाम दे देंगे, क्या दे देंगे, माना वन अपॉन एक्स बराबर पी वे वन अपॉन वाई बराबर क्यू, तो ये नाम दे दिया। चलिए, अब कितना, वन अपॉन एक्स के बराबर हमें पी रखना है, तो टू पी हो जाएगा, और प्लस ये पांच क्यू, और बराबर एक बट्टा चार, इसका बटा एक मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, देखेंगे क्या होता है। दो चौक आठ, आठ पी प्लस चार पंजे बीस, बीस क्यू और बराबर वन, ये आ गई समीकरण नंबर एक, इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर एक। यानी कि ये कब बनी, यहां से यहां तक की स्थिति पर, कि दो महिलाएं वे पांच पुरुष मिलकर किसी काम को चार दिन में करते हैं, यहां पे बन गई समीकरण नंबर हमारी एक। अब लिखेंगे हम तीन महिलाओं व छह पुरुष का एक दिन का कार्य, अगली सिचुएशन में, अगली स्थिति में जो है, अब लिखेंगे हम पुनः तीन महिलाएं वे छह पुरुषों छह पुरुष मिलकर करते हैं काम, मिलकर करेंगे तो जोड़ देंगे, मिलकर करते हैं काम कितने दिन में, तीन दिन में, तो उनका एक दिन का कार्य, तीन महिलाएं ये तीन दिन में कर रहे हैं ना, तीन महिलाएं वे छह पुरुष मिलकर करते हैं काम को कितने दिन में, तीन दिन में, तो तीन महिलाएं वे छह पुरुष का
एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? वही 3/x प्लस 6/y, जो हमने ऐसे माना है यही रखेंगे हम, और बराबर कितना? 1/3। 3 दिन में कर रहे हैं, तो वही सिचुएशन जो हमने यहां पे मानी थी, 1/x बराबर p, 1/y बराबर q, तो ये यहां पे रख देंगे। तो 3p प्लस 6q बराबर 1/3, 1/1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 3 9p और प्लस 18q और बराबर 1। समीकरण नंबर 2 आ गया। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे 8p है, यहां पे 9p है, यहां 20q है, यहां पे 18q है, तो इनमें से हम एक को बराबर कर लेंगे। कैसे? समीकरण 1 में 9 से गुना और समीकरण 2 में 8 से गुना करके घटाने पर, यहां पे लिखेंगे ये बात, समीकरण 1 में 9 से गुना व समीकरण 2 में 8 से गुना करके घटाने पर, चलिए कर देते हैं ऊपर वाली समीकरण में 9 से गुना, कितनी है हमारी? 8p प्लस 20q बराबर 1, इसमें किससे? 9 से गुना, तो कितनी आ जाएगी हमारी? 9 8 72, 72p, और ये कितनी? 9 2 18, 180 पी और बराबर में 9 1 9, इस प्रकार से ये आ गया। अब समीकरण 2 में भी हमें करनी किससे? 8 से गुना, इसमें दिखा दो 8 से गुना। समीकरण 2 में 9p प्लस 6q और बराबर 1, चलिए देखते हैं। 9 8 72, 8 6 48, q, सॉरी ये मैंने क्यू नहीं लिखा यहां पे, क्यू और बराबर 8 1 8। तो घटाने पर, हमने कहा है घटाने पर, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो आपस में कट गया, ठीक है। अब ये कितना बचा यहां पे? 180 में से हमारा कितना? 48 घटाएंगे 180 में से, तो कितना बचेगा हमारा? 18q है हमारा, तो 8 से जब 18 में गुणा किया ऊपर समीकरण नंबर 2 में, तो 144, तो 180 में से 144 घटा देंगे, तो बचेंगे हमारे 36q और बराबर में 1, ठीक है। और q बराबर कितना आ गया हमारा? 1/36। ये q बराबर हमारा क्या आ गया? 1/36। और अब इस q की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में रख दें, क्यू की वैल्यू किस में रख दें? समीकरण नंबर 1 में रख दें या 2 में रख दें, पी का मान आ जाएगा। चलिए देखते हैं, थोड़ा इसे हटा देता हूं मैं इधर वाले पार्ट को, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए किस प्रकार, क्यू बराबर 1/36 समीकरण 2 में रखने पर, 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है हमारी? 9p प्लस 18q, यानी कि q की जगह क्या लिख दे? 1/36 और बराबर में हमारा 1, तो 18 2 36 और ये आ गया 9p प्लस 1/2 और बराबर 1, इसका 1/2 मानेंगे 2 आ गया, 18p बराबर 1 आ गया इधर, और 1/2 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे यूं, तो 18p बराबर 2, 2 एकम 2,
और कितना पी बराबर 2/18, 2 एकम 2, 2 नम 18, यानी के पी बराबर 1/9। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1/9, और पी हमने किसके बराबर माना था 1/x के, तो 1/x बराबर ये आ गया 1/9, तो कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स बराबर आ गया 9, और यहां से क्यू हमने किसके बराबर माना था 1/y के, तो रख दो 1/y बराबर क्यू की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी 1/36, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, वाई बराबर आ गया 36। तो हमने वाई किसका काम माना था, पुरुषों का, और महिलाओं का, एक्स को माना था हमने महिलाओं का, तो क्या हुआ हमारा, कितने कितना समय लग रहा है, तो यहां पे देखिए जरा थोड़ा, जब हमने इसे 1/36 को समीकरण नंबर 2 में रख दिया तो कितना 18 × 36, ये 1/2 हो गया और बराबर में 1, तो 9p/(1) मान के 2 यहां पे है 1/2, और ये कितना आ गया 2 आ गया हमारा लघुत्तम, तो 2 × 2 = 18p और प्लस में 1 और बराबर में 1 × 1 मान लिया, तो ये आ गया हमारा कितना 18p + 1/2 = 1/1, तो कितना 18p + 1 = 2। अब ये 1 इधर प्लस का है, उधर कितने का जाके हो जाएगा माइनस का, तो 2 - 1 और 18p = कितना हमारा 1 आ गया। अब ये 1 यहां पे 2 में से 1 जाके 1 आ गया, 18 इधर गुणा में है, उधर कहां चला जाएगा भाग में, तो p का मान कितना आ गया 1/18, और p को हमने क्या माना था, p बराबर माना था हमने 1/x, तो रख देंगे अब अपना यही मान 1/x = 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, एक्स बराबर आ गया 18, एक्स माना था हमने किनका, महिलाओं का, ठीक है। अब बात करेंगे पुरुषों की, क्यू, क्यू बराबर हमने 1/y माना था, तो कितना हो जाएगा हमारा क्यू बराबर 1/y, तो यहां पे लिखेंगे हम 1/y = 1/36, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, वाई का मान आ गया 36, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अकेला पुरुष कितने में, अकेली महिला 18 दिन में, पुरुष कितने दिन में करेगा 36 दिन में, क्योंकि हमने पुरुषों का काम वाई माना, महिलाओं का माना एक्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः एक महिला कार्य को 18 दिन में, वह एक पुरुष कार्य को 36 दिन में, ठीक है, क्योंकि हमने महिलाओं के काम को एक्स माना, पुरुषों के को वाई माना, तो महिला कितने में कर रही है, एक महिला कर रही है 18 दिन में और पुरुष कर रहा है 36 दिन में, तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।